गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेस्ट स्पोकन बुक फॉर यू आफ्टर मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑब्जर्विंग बाय मी। सो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम बेस्ट बुक फॉर स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों के लिए। तो ये मेरे सिरहाने के पास रहने वाली किताबें, इसमें कहीं पे हमारा स्पोकन का बुक नहीं है, तो मैं लिए चलता हूँ आपको अपनी छोटी सी लाइब्रेरी, जिसे सेटअप तो नहीं किया हूँ बट हमारा ऑक्सब्रिज का बुक वहीं है। दिखाता हूँ आपको, बने रहे माइनस वन ब्लॉक्स के साथ। तो ये जो ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर है, मैं आपको बता दूँ कि ये गया में है, केएल गुप्ता शोरूम के जस्ट बगल में ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर। बुक देख सकते हैं आप, डेवलप कम्युनिकेशन हैंडबुक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम, यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी पहले की बुक है और इसमें आपको सारा दिया हुआ है कि किस तरह से आपको स्टडी करनी है। तो इसमें जो आपको ग्रामर में पढ़ना है, सबसे फर्स्ट टर्मिनल में पढ़ना है आपको प्रोटोकॉल, उसके बाद टेंस, क्लास टेस्ट होगा, उसके बाद WH वर्ड्स है, मोडल्स है, उसके बाद सेकंड टर्मिनल में, ये फर्स्ट टर्मिनल का था, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये सब लिखा हुआ है ना, ये उसके बाद सबसे यहाँ की खूबसूरती ये है कि ग्रुप डिस्कशन, क्लास, सिलेबस भी इसमें ऐड करा है इन्होंने, हैंडबुक है, आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको लेना होगा ये बुक। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि गया का, अगर आप गया से हो और गया में स्पोकन सीखना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट बुक होगा ये आपके लिए ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर का, बिकॉज़ यहाँ पे इंग्लिश काफ़ी शानदार तरीके से सिखाई जाती है। और वैसे स्टूडेंट जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम दे करके निकलेंगे और वो इंग्लिश से इंटरेस्ट रखते हो, तो जाकर ऑक्सब्रिज में क्लास ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो फुल्ली इंग्लिश है और उसी के ज़रिए आपको सीखने में आसानी होगी। और इसमें सारा ना क्लियर क्लियर दिया हुआ है, मैं एक दो पेज और आपको दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप, ये सारा ना शुरू से दिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी बींग प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आपको शुरू से टेंथ से लेकर आखिर तक पूरी स्पोकन इसमें आपको हो जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद दो पार्ट और आपको मिलेंगे इस बुक में। और एक चीज़ और मैं आपका इसका हेड ऑफिस बता देता हूँ कि ये कहाँ पे, हेड ऑफिस जो है आपका ऑक्सब्रिज के आ गया है, कहीं है, रीजनल ऑफिस स्वराजपुरी रोड में है। तो मैं जो बात कर रहा था ना, वो स्वराजपुरी रोड के बारे में कर रहा था, वहाँ पर ये जो है उसका हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस अलग अलग है। इस बुक में क्या है खास, ये देखिए लिखा है कि द चैप्टर इन द बुक प्रोवाइड प्रैक्टिस इन इंग्लिश ग्रामर और स्पीच वोकैबुलरी एंड यूजेस द टॉपिक्स ऑफ फॉर ग्रामर कवर एंड बेसिक नीड्स ऑफ इंग्लिश, स्पेशल इम्फेसिस हैज बीन प्लेस्ड ऑन कन्वर्सेशन रिलेटेड लेशंस एंड टॉपिक फॉर GD एक्सट्रीम एक्सरसाइज एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको इसकी खूबी है, डेवलप कम्युनिकेशन। हाँ, तो अभी आप एग्ज़ाम देंगे इसका, मैट्रिक का और इंटर का, उसके बाद फिर आपको जो रिज़ल्ट के बीच का गैप मिलेगा ना, वो 1.5 से 2 महीने का 3 महीने का, उसमें आप जाकर इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। होता है क्या कि बिहार बोर्ड वालों के पास इंग्लिश कंपलसरी होती नहीं है, तो इंग्लिश वीक हो जाता है ना, तो इसी के बाबत मैंने ये इन्फॉर्मेशनल व्लॉग बनाया है। और वीडियो को आपने आखिर तक देखा, इसके लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू, हाँ थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।